हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। कल प्रयागराज में महापंचायत का आयोजन किया गया। अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी भर्ती का मुद्दा रखा। एएसओ के अभ्यर्थियों ने अपनी भर्ती के बारे में अवगत कराया। जेई के अभ्यर्थियों ने अपनी भर्ती के बारे में अवगत कराया। मंडी परिषद के अभ्यर्थियों ने अपनी भर्ती के बारे में अवगत कराया। एंड एजीटी के अभ्यर्थियों ने अपनी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी। सभी भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी भर्ती की पूरी जानकारी दी। एजीटी के अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें, किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। मैंने हमेशा एजीटी के अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया है और हमेशा करती रहूंगी। 906 अभ्यर्थियों का जो मैटर फंसा हुआ है, इसे सॉल्व करने के लिए एजीटी के अभ्यर्थी 26 सितंबर को कृषि निदेशालय जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी लखनऊ या लखनऊ के आसपास रह रहे हैं, वो 26 सितंबर को लखनऊ जरूर पहुंचे। जो अभ्यर्थी लखनऊ से ज़्यादा दूर रह रहे हैं, आने में परेशानी हो रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एजीटी की सारी अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आप सभी सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करें, सभी अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुंचाएं। 906 अभ्यर्थियों की लिस्ट निदेशालय से आयोग भेज दी जाए। इसके लिए अभ्यर्थियों को हर संभव कोशिश करनी होगी। लिस्ट आयोग पहुँचने के बाद तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को सपोर्ट करना होगा, जिससे 906 अभ्यर्थियों की लिस्ट निदेशालय से आयोग पहुँचाएँ। तो सभी अभ्यर्थी सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुँचाएँ। देखिए, इसको देख लेते हैं। एएसओ को लेकर कल ज्ञापन दिया गया। सेवा में माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच, विषय सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी भर्ती पूरी करने के संबंध में। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एएसओ का रिजल्ट नवंबर के महीने में जारी कर दिया जाएगा। जेई रिजल्ट को लेकर जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो जल्द आपको सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।